गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पंचमहाल के कलाल में रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है, जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल गुरुवार सुबह हैक हो गया। इसके बाद से ही सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट जांच में जुट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के बाद किसी सरकारी साइट पर यह दूसरा बड़ा साइबर अटैक है। मुंबई के खार इलाके में बुधवार रात एक कोरियाई महिला से छेड़छाड़ की गई। घटना रात 8 बजे की है। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां दो लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की। जब महिला ने इनकार किया तो उसे जबरन चूमने की कोशिश भी की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राज्य की 89 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पहले चरण में दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के 19 जिलों में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में 70 महिलाएं और 339 निर्दलीय हैं। 89 सीटों में से 14 अनुसूचित जनजाति और 7 दलितों के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई गई, जिसके चलते वहां सड़क पर जाम हो गया।